आपके अपने YouTube चैनल लेजी लर्न पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक बस। इलेक्ट्रिक बस बस कैसे काम करता है? बेसिकली आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक बस लॉन्च कर दिया जाता है, बट उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहीं से भी आप देखे होंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जाती है। मतलब कहीं से भी बिजली आप देखते होंगे नहीं दी जाती, बट काम कैसे करता है ये मतलब कैसे भाई, क्या होता है उसमें, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, इस पे चर्चा करते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक है। आजकल इलेक्ट्रिक बस का मतलब ट्रेंड चल रहा है, सभी गवर्नमेंट हो गई, सभी मतलब कंट्रीज हो गई इलेक्ट्रिक बस पे फोकस कर रही हैं, मतलब उसको बढ़ावा दे रही हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बैटरी इलेक्ट्रिक बस एक इलेक्ट्रिक बस है दोस्तों, मतलब जिसमें एक बैटरी बैंक लगा होता है। बैटरी बैंक जो कंटिन्यूअस पावर सप्लाई देता है, जैसे डिस्चार्ज होता है अलग अलग पॉइंटों पे, मतलब अलग अलग एरियाज में, मतलब एक चार्जिंग पॉइंट होता है जो बैटरी को चार्ज करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक डायनमो लगा रहता है। डायनमो नहीं कह सकते उसमें, अगर एसी प्रोवाइड करना है तो वहाँ पे इन्वर्टर लगा देते हैं, जैसे कि ये इन्वर्टर हो जाता है ये, और ये सारी बैटरी हो जाती है। ठीक है, ये सारी बैटरी हो गए, ये मतलब इन्वर्टर हो गए, यहाँ से सप्लाई गई इसमें। ठीक है, ये देखो ये सप्लाई इसमें आई, फिर यही सप्लाई होते हुए इसमें आ जाती है दोस्तों, ये मोटर हो जाती है। ठीक है, इसी मोटर में एक कपलिंग लगी हुई है इसके टायर वाले, मतलब शाफ्ट में, जो इस पीछे वाले टायर को चलाते हैं, पीछे वाले दोनों टायर को चलाते हैं, इसी के रोटेशनल और टॉर्क से आगे वाले मतलब टायर भी चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी मैं आपको ब्रीफ करूंगा, एक एनिमेशन भी दिखाऊंगा इसमें कि कैसे काम करता है, तो आप क्लियरिटी समझ जाएंगे, बट आपको ओरली पहले समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो दोस्तों बस होती है, ये क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करती है, यहाँ से क्या करती, यहाँ बैटरी से स्टोर करेगी और मोटर को देगी। मोटर को तो डायरेक्ट दे नहीं सकती, आप जानते हो, कुछ तो इन्वर्टर लगा होगा, कुछ तो कन्वर्टर लगा होगा, कुछ तो लगा होगा ना, जिससे कि उस इन्वर्टर और कन्वर्टर में जाएगी जितनी पावर सप्लाई हमारे मोटर को मिलती है। मान लो ये 230 वोल्ट की है तो यहाँ पे इन्वर्टर लगा देंगे, मान लो ये डीसी है तो यहाँ पे कन्वर्टर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो लगा के उसको कन्वर्ट करके और आगे मोटर में प्रोवाइड करा देते हैं। जो मोटर क्या काम करता है दोस्तों, मोटर यही इलेक्ट्रिकल सप्लाई को मैकेनिकल सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे इसके शाफ्ट लगे होते हैं, यही शाफ्ट इसके मतलब इस पहिए के शाफ्ट में कनेक्टेड होते हैं, जो इस पहिए को चलाते हैं। ठीक है, जैसे घरों के इंजन चलते हैं दोस्तों, कहीं मशीन हो गई, उसमें मोटर लगा हुआ है, उससे शाफ्ट या पुली से चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखो, ये मैं आपको बता रहा था, ये बैटरी बैंक हो गया, ये बैटरी बैंक हो गया, ये बैटरी बैंक हो गया, और ये आपका क्या हो गया, इन्वर्टर या कन्वर्टर हो गया, इसी से लिंक आपका ये मोटर हो गया, ये मोटर है आपका डीसी या एसी, जिस प्रकार की मोटर यूज हो रहती है वही लगी होती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ इन्वर्टर या कन्वर्टर लगे रहते हैं। ठीक है, यही शाफ्ट की मैं बात कर रहा था, देख रहे हो, ये मोटर की शाफ्ट है, ये बस के शाफ्ट से यहाँ से लगी हुई है। ठीक है, जब ये मोटर चलती है दोस्तों, जब एक ड्राइवर ऑन करता है इस कन्वर्टर को, तो ये मोटर चलती है, तो इसको रोटेट कराती है, इसको इस दिशा में रोटेट कराती है, और इसके बाद फिर इसी के डायरेक्शन में चलने लगती है, जिसके रोटेशन से ये भी टायर चलने लगता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बताते हैं क्या क्या फीचर होते हैं, बहुत अच्छे फीचर होते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, एसी लगा होता है। ठीक है, इसी बैटरी से एसी भी चलता है, एलईडी बल्ब जलते हैं। ठीक है, और यूएसबी चार्जर का पोर्ट लगा रहता है, जिसमें यूएसबी आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, और तो और दोस्तों, इससे क्या क्या मॉनिटर कर सकते हैं, इससे बस चालक क्या क्या मॉनिटर कर सकता है, एक टेम्परेचर मॉनिटर कर लेगा, एक वोल्टेज मॉनिटर कर लेगा, एक करंट मॉनिटर कर लेगा, कैपेसिटी मॉनिटर कर लेगा बैटरी की। ठीक है, और इससे एलईडी लाइटें जितनी होगी वो जल जाएंगी, जैसे यहाँ पे एसी लगे होते हैं, इसको भी चला, ये इसके ऊपर ही एसी लगे रहते हैं दोस्तों, ये एसी के पोर्ट है। ठीक है, एसी चलते हैं। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं इसके एनिमेशन, आपको आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक बस कैसे काम करता है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको क्लियर फिर से कर देता हूँ। बैटरी लगा होता है, बैटरी के बाद इन्वर्टर या कन्वर्टर लगा होता है, जिससे ये मोटर कनेक्टेड होती है। जब बस चालक इस मोटर को ऑन करता है या कन्वर्टर को ऑन करता है या मोटर को सब मतलब सिग्नल देता है, मोटर ऑन होती है, तब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगती है, शॉफ्ट से इसके बस के शॉफ्ट से कनेक्टेड रहती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसके एनिमेशन पे, देखते हैं आपको क्लियर समझ में आ जाएगा क्या कैसे चलता है। ठीक है,
देखिए दोस्तों, ये बस इसी बस में बात कर रहा था, यही इलेक्ट्रिक बस ऐसे आपको देखने को मिलेगी मार्केट में, ठीक है। अब देखो एनिमेशन के थ्रू कैसे समझाता है आपको, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देख रहे दोस्तों, ये देखो ये बैटरी बैंक है, ये कन्वर्टर लगा हुआ है, देख रहे यहाँ से सिग्नल आई, यहाँ से देखो यहाँ से आई मोटर में, यही मैं बात कर रहा था, यहाँ से मोटर में आई और ये सप्लाई गई एसी में, ये कहाँ से ली गई एसी में, यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये यहाँ स्ट्रोक की तरफ, ये देखो मोटर को घुमा रहा है, देख रहे हो, और ये आगे की तरफ घूम रहा है, इसी की बात कर रहा हूँ, यही कन्वर्टर कन्वर्ट कर रहा है, नीचे बैटरी लगी हुई, यही कन्वर्टर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ बैटरी पे यहाँ मोटर को देखे ट्रांसफॉर्म काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये क्या करता है दोस्तों, पावर इलेक्ट्रिक पावर को कन्वर्ट कर देता है आपके मैकेनिकल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, थैंक यू सो मच।